चैनल गाइस, आज हम बनाने वाले हैं छोले और पूरी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये छोले और पूरी बनाने में जितना भी टाइम लगता है उससे यहाँ बहुत ही कम टाइम लगेगा और इजी तरीके से हम बनाएंगे इसको, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पैन हीट करोगे, उसमें ऑयल ऐड करोगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहो तो कोई और ऑयल भी ले सकते हो, पर खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा होता है। यहाँ मैंने डाला बेली, ये फ्लावर और जो भी खड़े मसाले मेरे पास, वह यहाँ पे मैंने सारे के सारे यूज़ किए। बट देखिए, बड़ी इलायची है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सब कुछ हमने यहाँ पे डाल दिया है, लौंग भी डाला है, काली मिर्च भी डाली है एक, और उसके बाद डालते हैं हम क्यूमिन सीड यानी जीरा। देख, इन सबको होने के बाद, या देखिए मैंने ये मसाला पहले बना लिया था, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका अनियन, गार्लिक, एक हरा मिर्च लिया है मैंने, और अदरक का टुकड़ा लिया है। सबको अच्छे तरीके से पीस लिया है, इसमें आपका टाइम बच जाएगा। ठीक, जब तक ये आपके खड़े मसाले और जीरा होता रहता है तब तक आप जल्दी जल्दी इसको पीस भी सकते हो। ये आपके टाइम बचाने के लिए मैं टेक्निक्स बता रही हूँ, ठीक। अब इसको आप देखते रहो, थोड़ा हाई टेम्परेचर भी कर दोगे चलेगा, जब ये आपका ऑयल छोड़ने लगे। टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, टमाटर का पेस्ट आप इसमें डाल दो, ठीक। अब इसको डायरेक्टली आपको कॉन्टिन्यूस चलाते रहना है। आप इस टाइम पे ये चाहो तो इस टाइम पे आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, मैं बाद में डालूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे छोले मसाला। छोले मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ठीक। अब क्वांटिटी आप जितना भी चाहो वो डाल सकते हो, आप कुछ ऐसा मसालेदार पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, नहीं तो नॉर्मल यानी वन टीस्पून आप डालो। कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी, कश्मीरी लाल मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स करके। हाँ, धनिया पाउडर मैंने वहाँ ऐड नहीं किया था, उसके बाद मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। अब आप देखो, ये मसाला जो हमारा है वो तैयार हो गया, आप देख रहे हो उसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये तेल भी यानी ऑयल छोड़ने लगा है, जैसा कि देखे मैंने दिखाया आपको। अब इसमें क्या करेंगे, एक अच्छा सा मैंने क्या है यहाँ पे मैंने रखा हुआ था फ्रेश मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं हो, क्रीम हो तो आप क्रीम ऐड कर सकते हैं, क्रीम में नहीं हो तो अगर आपके पास दही हो तो दही भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लगाने के लिए है, अगर आप ना ऐड करना चाहते हो तो मैं मत ऐड कर ले, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब ये देखिए, मैंने क्या किया था, चने को ओवरनाइट सोक किए हुए चने को बॉयल कर लिया है, उसमें खड़े मसाले डाले हैं मैंने, ठीक। खड़े मसाले में मैंने क्या डाला है, एक कप का है, और उसमें आपको एक बेलीफ डाला है। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, और हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहो, जैसे आपके पास टाइम नहीं है और इसको बनाना हो, चने को जल्द पहले भी बॉयल करके रख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, आप इसमें कसूरी मेथी मैंने आपको बोला था, आप वहाँ पे टमाटर जो आपका फ्राई हो जाए उस टाइप पर भी डाल सकते हो, मैंने बाद में डाला है, बाद में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए, ये कसूरी मेथी मैंने डाला और थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, अगर वहाँ मैंने क्या डाला था, छोला मसाला डाला था, उसको ढक के रख देंगे 5 मिनट बाद। यहाँ पे देख रहे हैं इसका कैसा कलर आ चुका है, थोड़ा सा और पानी है, मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँगी, क्योंकि हमें इसे पूरी से खाना है, इसे चावल से नहीं खाना है, इसमें थोड़ा सा और इसको ड्राई करेंगे। अब आती है पूरी की बारी, इसमें हम क्या किया मैंने, इसमें नॉर्मल आटा लिया है, गेहूँ का आटा, इसमें डाला है कलौंजी यानी मगरैल भी कई लोग कहते हैं, उसके बाद अजवाइन डाला, अजवाइन को आप वीडियो से थोड़ा रगड़ के डालें और अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें ऐड किया है नमक, अगर आप चाहते हैं थोड़ा और पूरी हमारी कुरकुरी हो तो इसमें हम थोड़ा सा सूजी ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करेंगे तब भी कोई बात नहीं। और इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। हरा धनिया ऐड करके पूरी बनाइए, बहुत ही, एक तो पूरी देखने में भी सुंदर लगती है और उसके बाद और टेस्ट तो आता ही है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा डो। सॉफ्ट सा डो बनाने के बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो आप इसको गूंथने के टाइम भी सॉफ्ट कर लीजिए। यहाँ मेरे पास टाइम है तो मैं इसको 5 से 10-15 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही ढक के रख दे रही हूँ, ठीक है। ढक के रखने के बाद अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तैयार हो गया हमारा तेल पूरियाँ तलने के लिए। आप यह देखेंगे बहुत ही कुरकुरी सी पूरियाँ हमारी बनेंगी। ये नहीं कि आपने सिर्फ, मैंने वहाँ पे बहुत सी थोड़ा सा आटा, एक चम्मच ही मैंने उसमें आटा, 1 से 2 चम्मच ही मैंने उसमें सूजी का आटा ऐड किया, ठीक है। तो फिर भी पूरियाँ बहुत कुरकुरी बनी है, नहीं बनेंगी तो फिर भी आप जैसे कुरकुरी पूरी खाते हैं वैसे भी आप तैयार। ये देखिए डिलीशियस आपका छोले बन के तैयार है। आप ये देखोगे तो बहुत स्मूथ सा टेक्स्चर आ रहा है, वो आपके मलाई की वजह से, ठीक है। गाइस आप भी ट्राई करिए और अपने अनुभव हमारे
चैनल पर शेयर जरूर करें।